नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों के बारे में, जिनमें से आरम शाह, उनके बाद में इल्तुतमिश, और भाई इन लोगों ने किस प्रकार से शासन किया था, इनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में हम जानेंगे। ये जो पिछली वीडियो में भी हमने देखो गुलाम वंश के बारे में ही जानकारी दी थी, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम गुलाम वंश के ही बारे में जानेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने इलबरी, ठीक है। इसी क्रम में जो जो शासक आते रहेंगे और वो किस वंश से संबंधित है, हम उनके बारे में जानकारियां लेते रहेंगे, और उनके शासन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित होती हैं, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। गुलाम वंश, अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में होता क्या है कि जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो जो तुर्क अमीर सरदार थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र थे आराम शाह। ये बिल्कुल कमजोर अय्याश किस्म के अयोग्य, यानी शासन चलाने लायक नहीं थे, लेकिन क्या करें, क्योंकि जो सल्तनत काल है, जो ये तुर्क थे, इनका जो साम्राज्य में शासन होता था, ये सरदारों के समूह के साथ में एक उनका नेता होता था जिसे शासक कहा जाता था। तो वो क्या करते हैं, अब जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उनमें से जो सरदार थे वो इनके अयोग्य पुत्र आराम शाह को शासक बना देते हैं, ठीक है। आराम शाह को शासक बनाते हैं, अब आराम शाह शासक बनते हैं और 1210 ईस्वी में ये शासन करना शुरू करते हैं। और कितने दिन के लिए शासन करते हैं, केवल 8 माह शासन करते हैं। इनके शासन से घटित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन्हें जो सरदार, क्योंकि अयोग्य तो थे ही, शासन करने योग्य बिल्कुल भी नहीं थे, फिर भी तुर्क सरदार इन्हें शासक बनाते हैं। शासक बनते हैं ये 1210 ईस्वी में, लेकिन केवल 8 माह तक ये शासन करते हैं। इसी दौरान सल्तनत काल के जो विद्वान थे वो कुछ हमें अलग से जानकारी देते हैं। वो क्या जानकारी देते हैं, उनसे संबंधित भी कई पेपरों में पूछा जा सकता है। वो क्या कहते हैं, देखो तारी के जहांगुसा के लेखक थे, कौन थे, जुबेनी और मिनहाज और सिराज, ठीक है। ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। तो हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आ जाए कि कौन से विद्वान या लेखक ये जानकारी देते हैं या ये बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। तो दोनों के नाम मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। तुर्क सरदारों में जो प्रमुख थे वो शाह इस्माइल थे। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो तुर्क सरदारों में से प्रमुख सरदार थे शाह इस्माइल। ये क्या करते हैं, ये आराम शाह के शासन, जो कि केवल 8 माह था, उनके शासक बनने से ये बिल्कुल भी और शासन करने से खुश नहीं थे। तो ये क्या करते हैं, निराश होकर, ये बदायूं के गवर्नर थे उस समय, कौन, बदायूं के गवर्नर थे इल्तुतमिश, और बदायूं जो कि इक्ता थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सल्तनत की इक्ता, तो ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ अच्छे इक्ताओं में से, महत्वपूर्ण इक्ताओं में से एक थी, जिसके ये गवर्नर थे, यानी कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत शासन करते थे, उनके अधीन थे, और दूसरी क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे।
तो इसी दौरान जब ये शाह इस्माइल इन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप आओ और दिल्ली सल्तनत पर शासन करो, तो इससे होता क्या है कि इधर तो इल्तुतमिश और इधर आराम शाह ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी थी वो लाहौर थी और तुर्क सरदार इन्हें राजा बना देते हैं, भाई सुल्तान चुन लेते हैं, और उनमें से कुछ सरदार इनके कार्य से नाखुश होते हैं तो वो इल्तुतमिश से कहते हैं कि भाई आप आ जाओ, आप बनो दिल्ली सल्तनत को, आप संभाल लो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आराम शाह भी उधर से आगे बढ़ते हैं और इधर से इल्तुतमिश आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, दिल्ली पर ये आक्रमण करने के लिए जब चलते हैं तो इल्तुतमिश की सेना इन्हें जूद जूद एक जगह है उसके मैदान में ये आराम शाह के आमने सामने हो जाते हैं जूद के मैदान में। और क्या होता है फिर, इन दोनों में घमासान युद्ध होता है, तो इल्तुतमिश की सेना आराम शाह को मार डालती है। इस प्रकार जब इन्हें मार डालती है तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश के यानी कि उनका जो पुत्र था, इसके बाद में अब उनका कोई शासन संभालने वाला नहीं रहा क्योंकि ये इल्तुतमिश की सेना ने मार दिए। इसके बाद में जो शासन करने के लिए उदय होते हैं वो इल्तुतमिश होते हैं, और जब इल्तुतमिश शासन करते हैं तो क्या होता है, इलवरी इलवरी वंश का शासन शुरू होता है, यहां से होता है इलवरी वंश का शासन। अब मेरे प्यारे साथियों हम जानेंगे भाई आराम शाह का बस छोटा सा 8 महीने का शासन काल था, उसके दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो यही थी। ठीक है, इनसे ज्यादा आराम शाह से संबंधित कोई क्वेश्चन पेपरों में नहीं आएगा। इनके बाद में जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश इलबरी कबीले इलबरी वंश के शासक थे जो कि 1210 ईस्वी में ये राजा बनते हैं, सुल्तान बनते हैं और 1236 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का अक्षक रक्षक, सॉरी अक्षक बोल गया मैं, रक्षक। ये जो थे ये ऐबक के दामाद थे, वो मैंने अभी आपको जानकारी दी थी, और इनको इल्तुतमिश को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, वो क्या है, इनको सुल्ताने आजम, सुल्ताने आजम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ये पेपरों में पूछा गया सवाल है, सुल्ताने आजम किसको कहा जाता है, तो सुल्ताने आजम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये इलबरी तुर्क थे, मैंने आपको बताया ये इलबरी वंश के शासक थे। ऐबक ने इन्हें, अब हम जानते हैं कि इल्तुतमिश अगर आखिरकार सुल्तान बने तो किस कारण बने, क्योंकि गुलाम वंश से संबंधित ये सारी घटनाएं हैं। जब वो गुलाम थे तो सुल्तान के पद तक वो किस प्रकार पहुंचते हैं, इनके शासन के समय में घटित घटनाओं पर अब हम थोड़ा जान लेते हैं। भाई समय है 1197 ईस्वी, याद करना मेरे प्यारे साथियों, 1197 ईस्वी में ऐबक ने 1 लाख जीतल में इन्हें खरीदा था, इनको इल्तुतमिश को। ये इल्तुतमिश के भी गुलाम थे, और जबकि जो ऐबक थे वो किसके थे, वो मोहम्मद गौरी के थे। तो क्या होता है, 1197 ईस्वी में ऐबक इनको 1 लाख जीतल में खरीद लेता है। होता क्या है कि 1206 ईस्वी के दौरान खोखरों का विद्रोह होता है, खोखरों का विद्रोह जो कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी खोखरों और जाटों को दंडित करने के लिए उनसे युद्ध करते हैं। कौन करते हैं, गौरी। तो उस समय और इस समय, समय एक ही है लेकिन उस समय इल्तुतमिश सुल्तान नहीं थे, केवल गुलाम थे, उनके सेना में योद्धा के रूप में कार्य करते थे। तो 1206 में जब खोखरों का विद्रोह होता है तो इस विद्रोह में मोहम्मद गौरी के साथ में क्या था, मोहम्मद गौरी के साथ में
ये इल्तुतमिश भी थे और इन्होंने खोखर विद्रोह में इल्तुतमिश का बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया था, अच्छी तरीके सेना का नेतृत्व किया था और अच्छे योद्धा की तरह वहां पर लड़े थे। इनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर, युद्ध कौशल से प्रभावित होकर ही गौरी के कहने पर, भाई गौरी के कहने पर ऐबक, अब गौरी क्या करते हैं, इनकी कुशलता से, युद्ध कौशल रणनीति से इतने प्रभावित होते हैं कि वो कहते हैं कि ऐबक ऐबक, लेकिन ऐबक को कौन निर्देश देता है, कौन आदेश देता है, गौरी, क्योंकि गौरी ऐबक जो था वो गौरी के अधीन था। तो गौरी कहते हैं ऐबक तुम इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दो, तुम इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दो। ये उन्हें मुक्त कर देते हैं और बदायूं का गवर्नर बना देते हैं। बदायूं जो इक्ता थी ऐबक की, अब ये उन्हें बना देते हैं वहां का, अब ये गवर्नर हो जाते हैं किसके अधीन, इल्तुतमिश ऐबक के अधीन। इनकी जो समस्याएं थी, जब ये गवर्नर बन जाते हैं और यहां पर ये आराम शाह से युद्ध करने के बाद उन्हें हरा देते हैं, तो अब ये संस्थापक बन जाते हैं। इनकी एक समस्या थी कि भाई ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के अधीन और भी तो थे, यल्दोज, कुबाचा और ऐबक, ये तीन शक्तिशाली प्रमुख सेनापति थे। और खिलजी, यहाँ पर 1206 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का निधन हो जाता है, क्योंकि वो आक्रमण करते हुए बंगाल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इल्तुतमिश जब बनता है तो ऐबक क्या करता है, यल्दोज और कुबाचा और इल्तुतमिश, इन तीनों से ही वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। किसी कभी बहन की शादी करते हैं, अपनी पुत्री की शादी करते हैं और खुद भी स्वयं भी शादी करते हैं। तो क्या होता है, इसकी समस्या थी इल्तुतमिश की कि भाई अगर अब मैं राजा बन गया हूं तो ऐबक के और भी रिश्तेदार हैं, वो भी संतनत के लिए, साम्राज्य के लिए अब अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। होता भी यही है कि यल्दोज और कुबाचा की क्या होते हैं, ये सत्ता को चुनौती, इल्तुतमिश को डर होता है कि भाई अब ये सत्ता के लिए चुनौती देंगे, कौन कौन देंगे, तो इल्तुतमिश के समय में यल्दोज और कुबाचा और से सत्ता को चुनौती देने की एक समस्या पैदा होती है। इसी दौरान क्या होता है कि समय आपने याद करना है मेरे प्यारे साथियों कि 1215 ईस्वी में खवारिज्म क्या 1215 ईस्वी में खवारिज्म के शाह से हार कर, अब खवारिज्म जो है वहां का एक शाह था यानी सुल्तान था, उससे हार कर कौन, ये कुबाचा, उससे हार कर ये लाहौर आ जाते हैं। ये जो है 1215 ईस्वी में खवारिज्म के शाह से हार कर ये लाहौर आते हैं, कौन, सॉरी मैं कुबाचा बोल गया, यल्दोज थे जो कि गौर के शासक बनते हैं मोहम्मद गौरी के मरने के बाद में, गौर के ये शासक बनते हैं। अब क्या होता है कि वहां पर एक जगह है खवारिज्म, यहाँ के सुल्तान कौन थे, सुल्तान जो थे वो इन पर हमला करते हैं यल्दोज पर। जब ये हमला करते हैं तो ये वहां से भागकर उसका सामना नहीं कर पाते और लाहौर आ जाते हैं। लाहौर में क्या था पंजाब और सिंध पर किसका अधिकार था, कुबाचा का। तो ये क्या करते हैं, ये उस पर अधिकार कर लेते हैं, पंजाब और सिंध पर यल्दोज अधिकार कर कुबाचा जो वहां का शासक था, भाई ऐबक के बाद में कुबाचा को मिलता है पंजाब सिंध और यल्दोज को मिलता है गौर का क्षेत्र। तो ये वहां से क्या करते हैं, और उत्तरी भारत ऐबक को, तो यल्दोज क्या करते हैं, ये जो खवारिज्म के शाह हैं ये उन्हें हराते हैं, जिससे ये सामना नहीं करता और भागकर लाहौर चले जाते हैं।
लाहौर थी ऐबक की राजधानी, ऐबक की होती है उस समय मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या करते हैं पंजाब और सिंध पर कुबाचा जो थे ये पंजाब सिंध पर अधिकार कर लेते हैं और कुबाचा को वहां से भगा देते हैं। अब कुबाचा यहां से भग जाता है तो क्या होता है कि तराइन के मैदान में ये वही तराइन का मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध हुआ था। अब इस तराइन को याद रखना कि इसमें होता क्या है कि इसमें इल्तुतमिश और यल्दौज का युद्ध होता है, किसके तराइन के मैदान में। जब इनका युद्ध होता है तो यल्दौज को इल्तुतमिश हराकर बंदी बना लेते हैं, यानी इनका एक प्रतिद्वंदी जो इनकी ये समस्या थी कि भाई ये भी अब साम्राज्य के लिए करेंगे और ये चुनौती करते भी हैं, तो पहले तो यल्दौज क्या करते हैं कुबाचा को भगाते हैं, अधिकार कर लेते हैं पंजाब सिंध पर। अब जब ये घटना घटती है तो ये इल्तुतमिश क्या करते हैं इन्हें तराइन के मैदान में यल्दौज को हराकर बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद में होता क्या है, उसके बाद में ये 1215 में तो होता है इनके ऊपर, अब 1216-17 ईस्वी में ये कुवाचा पर आक्रमण करते हैं इल्तुतमिश। भाई भले ही इन्होंने अधिकार कर लिया था सिंध और पंजाब पर, लेकिन उसके आस पड़ोस के क्षेत्र पर इनका ही अधिकार था, तो इल्तुतमिश अब इन पर आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद में होता क्या है कि 1228 ईस्वी में, देखो यहां पर समझने की बात है, अब यल्दौज को भी इल्तुतमिश ने हरा दिया, कुबाचा को भी हरा दिया, सन है 1216 और 17 में। अब कुबाचा हर बार की हारने के कारण, उधर तो यल्दौज ने भगाता था मारकर, इधर इल्तुतमिश ने मारकर भगा दिया, तो ये क्या करते हैं 1228 ईस्वी में दोबारा हारने के कारण लज्जित होकर यहां याद रखना कि सिंधु नदी में डूबकर मरने वाला हो सकता है ये पेपरों में क्वेश्चन आए कि संतनत काल का ऐसा उस समय का ऐसा कौन सा शासक है जो सिंधु नदी में डूबकर जिसने आत्महत्या की थी, तो वो कुबाचा है जो कि लज्जित होकर इल्तुतमिश के युद्ध में हारने के कारण सिंधु नदी में डूबकर मर जाते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। ये जानकारी यहां तक थी। अब जानते हैं कि आखिरकार उस समय ऐसा क्या हुआ था कि यल्दौज भी वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए थे, उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि समय उस समय जो समकालीन थे इल्तुतमिश ही थे। भाई इल्तुतमिश का समय उत्तरी भारत में था, लेकिन गौर के और सिंधु के जो हमारे उधर के क्षेत्र थे उधर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में जान लेते हैं उस समय की, यानी कि अब जैसे इंडिया में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या घटनाएं हो रही, तो उसी प्रकार उस समय भाई इल्तुतमिश का क्षेत्र उत्तरी भारत था लेकिन उत्तर पश्चिमी साइड में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी कि जो यल्दौज को उधर से उत्तरी भारत की तरफ आना पड़ा। तो होता क्या है 1206 ईस्वी में मंगोल जाति की करुलताई यानी कि एक तरह की सभा, मंगोल जाति की सभा होती है उसका नाम करुलताई था। इसमें क्या होता है कि ये जो सभा करते हैं मंगोल जाति, ये तमेचिन यानी चंगेज खां को अपना नेता चुन लेते हैं। भैया चंगेज खां को खुदा का अभिशाप यानी खुदा का कहर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक थे, तो चंगेज खां को नेता चुन लेते हैं। अब जब चंगेज खां नेता बनते हैं जिनको खुदा का अभिशाप कहा जाता है, ये क्या करते हैं इनकी सेना होती है, ये 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को मंगोल जाति वाले मिनगान, 10,000 की टुकड़ी वाली सेना को तो मिनगान और इससे ऊपर की सेना
यानी 10,000 से ऊपर की जो सेना होती थी उसको तुआन कहते थे, तुआन कहते थे। अब क्या है, चंगेज खान से संबंधित भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये इल्तुतमिश और सल्तनत काल के समकालीन है। ठीक है, तो क्या है, इन चंगेज खान के अधीन मंगोल, मंगोल और मंगोल सैनिक, ये क्या करते हैं, 1220 ईस्वी में बुखारा को जीतते हैं। कौन सा शहर है भैया, बुखारा। ये चंगेज खान बुखारा को जीत लेते हैं, और इससे पहले होता क्या है, सी हुआन टी ये है जिन्होंने, जिनके द्वारा चीन की दीवार बनाई गई थी, याद रखना, सी हुआन टी जिनके द्वारा क्या बना था, चीन की दीवार को चंगेज खान तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़कर पिकिंग शहर का नाम क्या है, पिकिंग पर अधिकार, यानी जो क्षेत्र था उसमें जो कस्बा था उसका नाम था पिकिंग, ये उस पर अधिकार कर लेते हैं। अब यहां पर तो ये बुखारा जीत गए और चीन की दीवार तोड़कर अंदर भी चले गए। चंगेज खान बहुत शक्तिशाली और क्रूर शासक थे, अत्याचारी। उसके बाद में समय होता है 1221 ईस्वी में मुसलमानों ने, असली युद्ध यहां से शुरू होता है कि ये जो यल्दौज थे वहां से क्यों भागे, कि 1221 ईस्वी में मुसलमानों ने मंगोलों से ये ख्वारिज्म को जीत लिया। समझ रहे मेरे प्यारे साथियों, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि जो ख्वारिज्म जो कि यहां पे है, ख्वारिज्म के सहाने यल्दौज को हराया, वो इसी कारण कि मंगोलों पर कर दिया मुसलमानों ने आक्रमण, मुसलमानों ने पहले मंगोलों को हराया और ख्वारिज्म को जीत लिया। अब जब ख्वारिज्म को जीत लिया तो चंगेज खान को यह मालूम चला, तो वो इसे सबक सिखाने के लिए ख्वारिज्म के शाह को सबक सिखाने के लिए ख्वारिज्म की तरफ बढ़ता है, और उसका भय इतना ज्यादा था कि ये मगबरनी ख्वारिज्म से आगे की तरफ रवाना होते हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ, और इधर था भारत, उधर से इधर की तरफ भागते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। तो क्या होता है, उसका जो शाह था, सुल्तान था, उसका नाम था जलालुद्दीन मगबरनी था, जो कि ख्वारिज्म का शाह था। ये मगबरनी क्या करते हैं, यल्दौज को हरा देते हैं और भगा देते हैं। यल्दौज जी भागकर कुबाचा को भगाते हैं और पंजाब पर अधिकार करते हैं। तो इसको सबक सिखाने के लिए, जलालुद्दीन मगबरनी को सबक सिखाने के लिए, जब चंगेज खां ख्वारिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो ये भाई वहां से भागते हैं, ये वहां से उसका सामना नहीं करते और वहां से भाग लेते हैं वहां से। इनका पीछा करते हुए ना चंगेज खां सिंधु नदी तक आ जाता है। अब जब ये सिंधु नदी तक आ जाता है तो इसमें होता क्या है कि ये मांगते हैं इल्तुतमिश से शरण, कि भाई आप मेरी जान बचा लो, जबकि इल्तुतमिश का साम्राज्य बिल्कुल नया था। अगर ये इन्हें शरण दे देते तो चंगेज खां इल्तुतमिश की सेना को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता, तहस नहस कर देता, लेकिन ये शरण देने से मना कर देते हैं। अब मना कर देते हैं तो चंगेज खां सिंधु नदी तक आता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता और वहां से ही लौट जाता है। इस प्रकार ये अपने साम्राज्य को, नए साम्राज्य को इल्तुतमिश अपनी सोच समझ और बुद्धिमता से बचा लेते हैं। अब यहां से तो ये इनका चंगेज खां का, अब देखो 1206 में उनकी हो जाती है मृत्यु, मोहम्मद बन बख्तियार खिलजी की। तो इसमें क्या होता है, वहां पर जो था अली मर्दन, समझने की कोशिश करना कि अली मर्दन बंगाल में अपनी स्वतंत्र सेना, बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा करता है।
अली मर्दन कहता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तो चले गए थे क्योंकि यही वहां के अब प्रमुख सरदार थे, तो ये क्या करते कि भाई अब मैं बंगाल में स्वतंत्र शासन करूंगा, लेकिन ये बंगाल में थे और उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत पर कौन थे, इल्तुतमिश। अब क्या होता है जब ये इनकी हत्या करते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, तो होता क्या है कि 1221 ईस्वी में खिलजी सरदार क्योंकि ये वही है अली मर्दन जो कि खिलजी सरदार इन्हें बंदी बना लेते हैं, तो ये बंदीपन वहां से छूटकर ऐबक की शरण में चले जाते हैं और ऐबक इन्हें माफ कर देते हैं और सूबेदार नियुक्त करते हैं बंगाल का। जब ये सूबेदार बन जाते हैं तो खिलजी सरदार इन्हें सूबेदार की मान्यता दे तो देते हैं, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत में उनके अधीन रहना नहीं चाहते थे, ये बंगाल को अलग राज्य बनाना चाहते थे, अलग साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो अब अली मर्दन क्या है, जब ऐबक नहीं रहे और इल्तुतमिश दिल्ली की तरफ थे, तो ये इसी मौके का फायदा उठाकर बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि सूबेदार तो थे ही कि भाई हम तो बंगाल के अब स्वतंत्र राजा हैं, हम किसी को कर नहीं देंगे, हम तो केवल अब राज करेंगे। तो इसमें होता क्या है 1221 ईस्वी में खिलजी सरदार क्या करते हैं, हिसामुद्दीन इवाज की हत्या कर देते हैं। कौन, ठीक है, हिसामुद्दीन इवाज इनकी हत्या करते हैं और गयासुद्दीन की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, याद रखना खिलजी सरदार थे हिसामुद्दीन इवाज जो थे, वो अली मर्दन की हत्या कर देते हैं, हत्या होने के बाद में, और गयासुद्दीन की उपाधि धारण करते हैं। अब क्या होता है, जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने बिहार मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अब समझो मेरे प्यारे साथियों यहां पर कि ऐबक की शरण में चले गए थे अली मर्दन, और ऐबक के मरने के बाद में ये करते हैं अपने आप को स्वतंत्र राजा, और खिलजी सरदार इन्हें सूबेदार की मान्यता देते हैं लेकिन राजा नहीं मानते, तो ये क्या करते हैं, खिलजी सरदार में हिसामुद्दीन इवाज इसकी हत्या कर देता है, इवाज कर देते हैं अब अली मर्दन की हत्या, और गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। अब होता क्या है, बंगाल में हो गया अब गयासुद्दीन का अधिकार, और इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। इसके बाद में क्या, जो इवाज था, इवाज ने इसे वहां से भगा दिया, या तो इल्तुतमिश के विद्रोह करके भगा क्या दिया कि यहां पर समझो जो इवाज था, ये हिसामुद्दीन इवाज ये बंगाल का तो शासक बनी गया था इसकी हत्या करके अली मर्दन की, और अब ये बिहार की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में क्या था, इल्तुतमिश के द्वारा मलिक जानी बने हुए थे सूबेदार। अब ये क्या करते हैं, मलिक जानी को इवाज जो भगा देते हैं, चल भाई अब तू यहां से निकल जा, बिहार पर भी अब मेरा राज होगा। तो अब क्या होता है, इल्तुतमिश के जो पुत्र थे महमूद, ये क्या करते हैं 1226 ईस्वी में इसे हराते हैं, किसको, हिसामुद्दीन इवाज या फिर गयासुद्दीन को, ये इन्हें हरा देते हैं लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते, और वही छुटपुट लड़ाइयां इनमें होती रहती है, यानी पूरी तरह से इनकी शक्ति को नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद होता क्या है, जब तक इल्तुतमिश को भी सुल्तान की पदवी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ये पदवी लेते थे खलीफाओं से, तो खलीफा क्या थे, बगदाद के खलीफा थे, कहां के, बगदाद के खलीफा थे, अब्बासी खलीफा बगदाद के, क्या नाम था,
अल मुंतसीर बिल्हा, ये इल्तुतमिश को मान्यता दे देते हैं सुल्तान की, कि जाओ भाई खलीफाओं ने कह दी कि तुम दिल्ली के सुल्तान हो, ये हम तुम्हें मान्यता देते हैं। अब इससे क्या होता है, ये पूर्ण रूप से, अब भाई खलीफा की आज्ञा मिल गई तो अब ये पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत के, यानी दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक और प्रथम शासक, मान्यता प्राप्त इल्तुतमिश थे। अब ये 1230-31 में, मेरे प्यारे साथियों यहां पर तारीखें आपने याद करनी है भाई, 1226 में तो महमूद इन्हें हराते हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते। अब क्या करते हैं कि इनके बाद में जो अब्बासी खलीफा थे, इन्हें 1229 ईस्वी में, सॉरी यहां सन है, ये 1229 ईस्वी में, 1200 याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, 1229 ईस्वी में इन्हें अब्बासी खलीफा अलमुंतसीर बिल्हा से मान्यता मिल जाती है कि भाई आप पूर्ण रूप से सुल्तान हो। इसके बाद ये क्या करते हैं, 1230-31 ईस्वी में ये इल्तुतमिश बंगाल पर अब पूर्ण अधिकार कर लेते हैं। कब करते हैं, 1230-31 ईस्वी में ये हिसामुद्दीन इवाद से बंगाल को छीन लेते हैं और पूर्ण रूप से अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश की सेना, इल्तुतमिश के समय की घटनाओं के बारे में हम जानकारियां ले रहे हैं कि 1234 और 35 ईस्वी में तुर्कों ने, तुर्क कौन थे भैया, इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के सैनिक, ये पहले भिलसा के हिंदू मंदिर को तोड़ते हैं और उज्जैन के याद रखना, उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी ये तोड़कर नष्ट कर देते हैं। तो इल्तुतमिश की सेना ने कब करा था ये हमला, 1234-35 ईस्वी में तुर्कों ने एक तो भिलसा के हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी तोड़ा। इनके समय में क्या होता है, इल्तुतमिश के समय में अवध में पृथुओं का विद्रोह होता है। कहां पे होता है, अवध में पृथु विद्रोह होता है, और जब ये विद्रोह होता है तो इल्तुतमिश क्या करते हैं, अपने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी बनाते हैं, किनकी, वफादार गुलामों की एक टुकड़ी बनाते हैं, ठीक है, जिसको तुर्कान 40 सरदार उस समूह में होते हैं इनके वफादार, जिसको तुर्कान चालान और यानी 40 जो थे गुलाम, ठीक है, ये वो जो टुकड़ी है गुलामों की वो ये बनाएंगे, उनके बारे में मेरे प्यारे साथियों हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं आपको गुलाम वंश से संबंधित आराम शाह और इल्तुतमिश और उनके शासन के समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारियां मिली होंगी, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं, इनके अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।